तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीति की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम के पार्ट टू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम में कन्वर्जन करते हैं। यानी मान लीजिए आपको क्वेश्चन में GNPAT MP गिवन है और आपसे पूछा है कि उसको NNPAT FC में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाकर आप पार्ट वन देख कर आइए और उसके बाद पार्ट टू देखिएगा, क्योंकि पार्ट टू जो है वो पार्ट वन का ही एक एक्सटेंशन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पार्ट टू में ये जानेंगे कि नेशनल इनकम में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन करने से पहले आपको कुछ बातों को पता होना जरूरी है, जैसे कि कन्वर्जन करते वक्त आपको जोन सी भी वैल्यू निकालनी है, आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है और इज इक्वल टू का साइन बनाकर जिस चीज़ की भी आपको वैल्यू पता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपने पार्ट वन देखा है तो वहाँ हमने बहुत सारी टर्म्सों को कन्वर्ट करना सीखा था कि कैसे ग्रॉस से नेट पे जाते हैं या फिर नेट पे कैसे ग्रॉस पर आते हैं, साथ के साथ मार्केट प्राइस से कैसे हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से कैसे हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं। ठीक उसी में डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का भी हमने देखा था। तो अब हमें करना क्या है कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेफ्ट पे लिखना है, जिसकी पता है उसको राइट पे लिखना है। अब हमें धीरे धीरे इसको कंपेयर करना है, लाइक इस वाली टर्म को पहले इस वाली टर्म से हमें कंपेयर करना है। तो इस वाली टर्म का जो n होता है उसका मतलब है नेट और इस वाली टर्म में जो g का मतलब होता है उसे कहते हैं हम ग्रॉस। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे कहते हैं नेट और इसे कहते हैं ग्रॉस। तो बेसिकली आपको नेट पता है और आपको ग्रॉस पे जाना है। पिछले पार्ट वन में जाना था कि नेट अगर हमें पता है और ग्रॉस पे जाना है तो हम कैसे जाते हैं। तो नेट क्या है, छोटा है, ग्रॉस क्या है, बड़ा है। जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं और इन दोनों की टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब अगले टर्म को आपको कंपेयर करना है, ये डी है, यहाँ भी डी है। इस डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, इस डी का भी मतलब होता है डोमेस्टिक। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एन पहले आता है उसका मतलब नेशनल नहीं होता है, उसका मतलब हमेशा नेट ही होता है। अब आपको अगला कंपेयर करना है, ये पी तो पी सेम रहेगा और ये मार्केट प्राइस पे गिवन है और ये भी मार्केट प्राइस पे गिवन है। तो हमने NDPAT MP को GDPAT MP में कन्वर्ट कर लिया है। हमें करना क्या है कि NDPAT MP में अगर हम डेप्रिसिएशन और ऐड कर लेंगे तो वो GDPAT MP के बराबर बन जाएगा। इसलिए दोस्तों कुछ प्रकार के और कन्वर्जन हम करके देखते हैं। तो आप कुछ और कन्वर्जन देख रहे होंगे जिनको अभी हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपने एंड से ट्राई करने का कोशिश कीजिए वीडियो को पोस्ट करके कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप फिर वीडियो को चलते रहने दीजिए, यानी वीडियो को देखिए, मैं समझाता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले वही कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया और जिस चीज़ की भी वैल्यू पता है उसको राइट हैंड साइड पर लिख लिया। अब हमें धीरे धीरे इनको कंपेयर करना है। यहाँ जी का मतलब ग्रॉस है और यहाँ जी का मतलब भी ग्रॉस है, तो दोनों सेम है तो इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ डी का जो मतलब होता है मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं डोमेस्टिक और इस एन को नेट नहीं बोलते, इसको हम नेशनल बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो एन होता है उसको ही हम नेट बोलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मतलब है नेशनल और यहाँ डोमेस्टिक। अब बताइए कि हमें जाना कैसे है, हमें पता है छोटा और हमें जाना है बड़े, तो इसका मतलब है कि कुछ हमें ऐड करना होगा। और डोमेस्टिक और नेशनल में जो डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया था वो होता है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आप कन्वर्ट देखोगे तो पी तो कुछ चेंज ही नहीं होगा और मार्केट प्राइस है ये भी मार्केट प्राइस गिवन है। तो बेसिकली हमने GDPAT MP को अगर GNPAT MP में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके अंदर NFIA को ऐड करना होगा। तो दोस्तों आइए अगला देखते हैं। हमें बेसिकली फाइंड करना है, इसमें NNPAT MP फाइंड करना है, पता है GNPAT MP। तो बेसिकली सबसे पहले टर्म को कंपेयर करते हैं, ये जी का मतलब ग्रॉस होता है, इसका मतलब होता है नेट, मैंने आपको बताया था। तो आपको ग्रॉस पता है और आपको नेट पे जाना है, यानी आपको बड़ा पता है और छोटे पे जाना है। इसे पार्ट वन में हम जान चुके थे कि जब हमें बड़ा पता हो और छोटे पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बेसिकली ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, वो डिफरेंस होता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो बेसिकली मैं डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेपरों में ये यूज़ नहीं करनी है, आपको पूरा डेप्रिसिएशन ही लिखना है। तो अगला, यहाँ भी नेशनल है, यहाँ भी नेशनल है, यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ पे मार्केट प्राइस है। तो मतलब अगर मुझे GNPAT MP को NNPAT MP में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है और मैं NNPAT MP पर पहुँच जाऊँगा। अगला देखते हैं, NDPAT MP फाइंड करना है, पता है NNPAT MP। तो पहले टर्म को कंपेयर करते हैं, ये नेट है और ये भी नेट है। अगला नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। तो नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, हमें बड़े से छोटे पे जाना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अब मैंने आपको बताया था कि नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंस होता है उसको हम NFIA बोलते हैं। तो मतलब अगर हम NNPAT MP में से NFIA को लेस कर देते हैं तो हम NDPAT MP में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस वाले में हमने सारे MP से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन होते हैं वो सब कर लिए हैं।
तो अब हम एफ सी से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन है एक बार उनको देखते हैं। तो अब हम आगे कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। तो हम ऊपर मार्केट प्राइस यानी एम बी से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन थे वो सारे कर लिए। अब हम यहाँ एफ सी से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन है वो करते हैं। तो जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर, जो पता है उसको राइट हैंड साइड, तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहला नेट है, ये भी नेट है, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, और तीसरा तो हमें देखना ही नहीं होता क्योंकि वो पी होता है, प्रोडक्ट होता है। अगला है फैक्टर कॉस्ट, क्या है ये और ये क्या है मार्केट प्राइस। तो आपको पता होगा कि मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, छोटा होता है। तो हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो माइनस क्या करना होता है, इसमें हमें माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस करना होता है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है, इसमें से हमें करना क्या होता है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में से हमें सब्सिडीज को लेस करना होता है। तो सब्सिडियाँ आ नहीं पाई तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर हमें NDPH MP से NDPH FC पे जाना है तो हमें उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा, तो हम NDPH FC पे पहुंच जाएंगे। तो अगला देखते हैं वही कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो पता है उसको राइट पे। ये पहला नेट है, दूसरा ग्रॉस है। तो नेट बड़ा होता है ग्रॉस, नेट छोटा होता है ग्रॉस बड़ा होता है। और जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम ऐड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस और नेट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। अगला, यहाँ भी डोमेस्टिक है और यहाँ भी डोमेस्टिक है, और यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट है। तो मतलब हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हम GDP एट FC पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगला देखते हैं। तो अगला है GNP एट FC और निकालना है और पता है GDP एट FC। तो दोस्तों पहली वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ग्रॉस ग्रॉस तो सेम है, दूसरा देखेंगे डोमेस्टिक है और ये क्या है नेशनल। इसको नेट नहीं मानना है, मैंने आपको बताया है कि एन अगर आगे होगा तभी उसको हम नेट मानेंगे, अदरवाइज वो नेट नहीं होगा, वो नेशनल होगा अगर वो दूसरे नंबर। दोस्तों इससे अगले वाले में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें GNP एट FC फाइंड करना है और हमें पता है GDP एट FC। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे तो इसका जी सेम है। अगला डोमेस्टिक है और ये नेशनल। तो डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें छोटे से बड़े पे जाना है तो मतलब हमें कुछ ऐड करना है। और मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल में जो डिफरेंस होता है उसको हम NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। तो अगला, ये भी फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट है। तो मतलब अगर हमें GDP एट FC पता है और हमें GNP एट FC पे जाना है तो उसके लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसमें ऐड करना होगा। तो अगले वाला जो आखिरी है कन्वर्जन, उसमें हमें NFP एट FC फाइंड करना है और हमें पता है GNP एट FC। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं। सबसे पहले ये ग्रॉस है और ये क्या है नेट है। तो हमें बड़े, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, तो हमें बड़े से छोटे पे जाना है तो मतलब माइनस करेंगे। और ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगला है ये क्या है नेशनल और ये भी क्या है नेशनल। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये भी फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट है। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में GNP एट FC पर, तो उसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूँ तो मैं NNP एट FC पर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों हम एक और कन्वर्जन करके देखते हैं। तो इसमें हमें GDP एट MP फाइंड करना है और हमें पता है NNP एट FC। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि ये क्या है नेट और ये क्या है ग्रॉस। तो हमें छोटे से बड़े पे जाना है तो मतलब हम यहाँ करेंगे ऐड, वो भी क्या डेप्रिसिएशन। और अगला है नेशनल और ये क्या है डोमेस्टिक। तो नेशनल और डोमेस्टिक में बेसिकली डिफरेंस होता है NFIA का। तो हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो इस केस में हम NFIA का करेंगे, लेस करेंगे। जबकि अगले में हमें मार्केट प्राइस चाहिए और हमें पता क्या है फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली हम छोटे वैल्यू पर है और हमें जाना है बड़ी वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है बड़ा है। तो इस केस में हम छोटे से जब भी बड़े पर जाते हैं तो हमें करते हैं ऐड करते हैं। और फैक्टर और मार्केट प्राइस में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको नेशनल इनकम निकालना है तो उसको हम NNP एट FC से डिनोट करते हैं, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी वे में अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो उसको हम NDP एट FC से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि नेशनल मतलब होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डोमेस्टिक मतलब होता है सिर्फ अपनी कंट्री। तो सिर्फ हम इसमें बीच वाले में चेंज करेंगे, यहाँ नेशनल आ जाएगा और यहाँ डोमेस्टिक आ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको कन्वर्जन समझ आया होगा कि बेसिकली नेशनल इनकम में हम कैसे किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं। तो इससे अगले पार्ट में हम अपने नेशनल इनकम के मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।